आज से कुछ दिन पहले जो नैब के चेयरमैन ने बताया, तफसीलात बताई कि किस तरीके से सिंध के अंदर 20 अरब रुपए का की गंदम जो है वो चूहे खा गए, और ये इस हालात के अंदर हो रहा था जब सिंध जो एक ऐसा सूबा है जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम पैदा करता है, वहाँ पर आटे की कीमतें जो हैं वो पंजाब की नस्बत 300 से 350 रुपए फ़ी 20 केजी के थैले की इजाफ़ा हुआ हुआ था। कभी भी तारीख में ऐसा पहले नहीं हुआ कि सिंध में आटा जो है वो इतना महंगा मिले पंजाब की नस्बत। ये पहली दफ़ा देखने के लिए आया, और जिस वक्त सिंध के अवाम जो हैं ये महंगा आटा ख़रीद रहे थे, नैब की तहकीकात ये कहती हैं कि 20 अरब रुपए का गंदम जो है उसकी चोरी हो रही थी और बकौल सिंध हुकूमत के उसको चूहे खा गए थे। अब पता नहीं ये चूहे जो हैं ये इंसानी नौइयत के चूहे थे या ये चूहे वैसे ही चूहे थे जिस तरीके से कोई फालूदा वाला है, कोई रबड़ी वाला है जिसके पास से अरबों रुपए इनके निकल आते हैं। कि जी 20 अरब रुपए की गंदम जो है वो गायब हो गई। हम पहले भी बता चुके हैं कि ये गंदम गायब नहीं हुई। तरीक़ेकार ये रहा है कि मुख्तलिफ जो फ्लोर मिल्स होती हैं उनको फूड डिपार्टमेंट क्रेडिट पर जो है ये गंदम फराहम करता है और वो फिर बाद में पैसे दे देते हैं। कुछ बरस पहले बहुत सारी फ्लोर मिल्स जो हैं वो अपनी अदायगियाँ नहीं कर सकी, वो डिफ़ॉल्ट कर गई, और उस डिफ़ॉल्ट पर नैब से राबता किया गया और नैब ने वो डिफ़ॉल्ट जो कर गई थी फ्लोर मिल्स उनसे रिकवरी करवाई है। तो ये गंदम गायब करने की कहानी नहीं, एक और झूठ बोला उन्होंने। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये तो पीटीआई के अरस्तू हैं, मतलब ये पीटीआई के अंदर जितने नालायकों की भरमार है उसमें ये निस्बतन पढ़े लिखे और समझदार आदमी माने जाते हैं और पीटीआई के हर मर्ज की दवाइयां हैं। अगर वो इतनी बेवकूफ़ी की बातें करेंगे और इतना झूठ बोलेंगे, गलत बयानी करेंगे, तो बाकी पीटीआई में बैठे हुए जो नालायक नायल और चवल किस्म के वजीर हैं उनकी क्या हालत होगी। सिंध में पहले भी मुकामी हुकूमत का जो कानून मौजूद है वो कानून जो है वो किसी तौर भी पाकिस्तान के आइन के अंदर जो लिखा हुआ है 140A के अंदर के एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम होगा जो माली, सियासी और इंतज़ामी तौर पर ख़ुद मुख्तार होगा। किसी सूरत भी सिंध का पुराना जो कानून था वो इस शर्त पर पूरा नहीं उतरता था और हमारे ख्याल में वो गैर आइनी था, इसीलिए इसके ऊपर पटिशन फाइल की गई। एक MQM ने भी पटिशन फाइल की, तहरीक इंसाफ की पटिशन में ख़ुद ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पटिशनर हैं, मैं उसका पटिशनर हूँ। अब इन्होंने जो तरमीम की और उसके बाद से जो ये फैसले करते रहे, ये तो जो रही सही बल्दियात के पास मुकामी नुमाइंदों के पास इख्तियारात थे ये उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। ये गैर आइनी है, ये नामुकम्मल जमहूरियत है, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी ज़ाती राय में ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं। पहले भी मैंने कहा था, हम अभी दोबारा मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ, हम ये असम्बलियों में भी उठाते रहेंगे, हम ये आवाज़ सिंध के हर शहरी तक भी पहुंचाएंगे और हम कानून का दरवाज़ा जो है और कोर्ट को दस्तक हमने पहले भी दी है, और मज़ीद मैं आपको बता सकता हूं कि पटिशन तैयार की जा रही है इस नए कानून के ख़िलाफ़ पटिशन फाइल करने के लिए। कल जो पीटीआई के अरस्तू हैं जो इनके हर मर्ज़ की दवा और हर मसले का हल समझे जाते थे, जिनको पहले भी एक मरतबा वज़ारत से बरतरफ कर दिया गया था, वो यहाँ आकर ये फरमाते हैं के सूबा सिंध की हुकूमत का जो लोकल गवर्नमेंट कानून है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। अच्छा, ये बात ऐसे वक्त में कही गई जब पूरे पाकिस्तान में सियासी जमातों को तो छोड़ दें, अपोजिशन की जमातों को सबको छोड़ दें, जो मायरे मईशत हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि पीटीआई का जो आईएमएफ की जानिब से दिया गया मिनी बजट है वो मुल्क दुश्मनी है। स्टेट बैंक को कानून में तरमीम करके जिस तरह हुकूमत के कंट्रोल से निकाला जा रहा है वो मुल्क दुश्मनी है, जिसने पंजाब में आते साथ जैसे ही इनकी 2018 में हुकूमत बनी
वहाँ जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनको फारिग कर दिया, और बाद में अभी कोई एक महीना पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कंटेम्प्ट लगने के बाद बड़ी मुश्किल से उनको बहाल किया, और एक महीने बाद उनकी कुछ दिन पहले जो है वो मुद्दत भी पूरी हो गई। वो जमात जो बल्दियाती इदारों को पसंद नहीं करती, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को वक्त उन्होंने पूरा नहीं करने दिया, वो हमें ये कह रहे हैं कि हमारा कानून जो है वो शायद उनके लिए ख़तरा जो है वो पैदा कर रहा है मुल्क के लिए।